नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत फेसबुक पेज पे। और मैं हूँ प्रिंस सिंह राजपूत। जैसे कि हमने अपने पेज से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाते रहे हैं, और हम लोग सुशांत को जब तक जस्टिस नहीं मिल जाए हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं कुछ दिनों से लाइव नहीं आ रहा था, लेकिन फिर से आप लोगों के सेवा में मैं आ गया हूं और सुशांत के लिए आवाज उठाता रहूंगा जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस ना मिल जाए। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करेंगे। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ पटना से आरसी सिंह सर हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मामा हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे फेसबुक लाइव में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने डे वन से मैंने देखा है कि आप जिस तरह से इस सुशांत के मामले को उठाया है और हर समय जहां भी हुआ है, जिस प्लेटफॉर्म पे हुआ है, मैं तो यहां भी देखा कि जब पटना में भी कोई आंदोलन होता था तो आप उसमें भी आके आप उसका भाग बने हैं और आपने समर्थन दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस। जी और हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान है, उनका भी स्वागत करते हैं हम लोग अपने फेसबुक लाइव में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे फेसबुक लाइव में। ब्रिज सर है हमारे साथ यूएस से। जी नमस्कार प्रिंस भाई, मैं यूएस में नहीं यूके में हूं, और मामा जी को भी प्रणाम। हाँ, आपको भी। जी ब्रिज सर, बताइए, जैसे कि हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाते रहे हैं और आपने भी अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप हर रोज एक एसेसारियंस के लिए वीडियो बनाते हैं और लोग को बताते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में आज की अपडेट्स क्या है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा आज की अपडेट्स क्या है सुशांत सिंह राजपूत केस में। जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई। जैसा कि मामा जी ने कहा कि आप बहुत ही शुरू से लगे हुए हैं इस लड़ाई में। आप एक ऐसे सारियंस में बहुत ही ऐसे सारियंस के दिलों में आप एक बहुत ही स्पेशल जगह रखते हैं, क्योंकि सिर्फ आपने लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि बहुत सारे ऐसे सारियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया आपने जहां से वो इस आवाज को उठा सकते। जी लाखों लाख ऐसे सारियंस आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अब अपडेट की बात जी आती है। अपडेट की सर, बात यह आती है। जी, बोलिए प्रिंस भाई, आप पहले बोलिए। ये सुशांत सिंह राजपूत जो हमारा पेज है इसमें सर मैं अकेले सर ये इतना काम नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ कुछ 10 लोगों की टीम है और जी पेज एडमिन विकास मिश्रा सर हैं जिन्होंने हमें चांस दिया और वो भी आवाज उठाते आ रहे हैं। और सर, जी ये हम लोग का सब हम लोग मिल के सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता। जी सर, जी हाँ, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो अब आते हैं खबर की तरफ कि आज की खबर क्या है। तो जैसा आपको मालूम है कि एनसीबी ने कल समन भेजा था करण जौहर को कि आज उनको अटेंड करना है एनसीबी की ऑफिस में। अब करण जौहर जो है, हमारे करण जौहर, वो डर गए। ये डर गए, डर क्यों गए मैं आपको बताता हूं। पिछली कहानियों को अगर आप सुने, पिछले समन्स को अगर आप सुने और समझे, रिया चक्रवर्ती को जब समन भेजा गया था कि आपसे पूछताछ करनी है, रिया चक्रवर्ती, शौभी चक्रवर्ती एनसीबी ऑफिस में जाते हैं और पीछे के दरवाजे से उनको जेल में डाल दिया जाता है। भारती सिंह को बुलाया जाता है कि आपसे पूछताछ करनी है, पूछताछ के बाद उनको पिछवाड़े से, पीछे के दरवाजे से उनको भी जेल में डाल दिया। अब करण जौहर को नियोता भेजा जाता है एनसीबी की तरफ से। हमारे करण जो है, करणवा बाबू, डर गए। बोले कि बेटा, जी अगर हम गए तो पहला बात तो कंफ्यूजन अब यहां पे है कि मेल वाले जेल में डालेंगे कि फीमेल वाले जेल में डालेंगे, वही समझौता नहीं कर पाएगी। अब करण जी बाबा का जी अलग केस। तो ये ऐसे सारियंस के बीच एक खुशी की लहर है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है एनसीबी ने उठाया, और छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के बजाय अब बड़ी मछलियों, या फिर यूं कह लीजिए कि मगरमच्छों पर हमला शुरू हो गया। रात भर करण जौहर चैन से सो नहीं पाया। सुबह उठते ही अपने वकील को फोन किया, वकील को बोला, और एक कर्मचारी को यूएसबी पकड़ाया और कहा कि भैया जाकर के एनसीबी को दे दो।
लेकिन करण को यह नहीं मालूम है कि जिस दिन एनसीबी को पकड़ना होगा, घर में आएगी, कॉलर सीटी भी लेकर के जाएगी और पूरा दुनिया तमाशा देखेगी जब एनसीबी को जेल में डालना होगा। तो ऐसे साइलेंस जीत रहे हैं, मामा जी जीत रहे हैं, प्रिंस जीत रहा है, और ऐसे ही कई ऐसे साइलेंस के पेजेस ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, जितने योद्धा लड़ रहे हैं उन सबों की जीत की खबर है और ये जश्न का माहौल है और जीत अभी शुरू हुई है, देखते रहना है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जी ब्रिज सर, बहुत ऐसे साइलेंस ये भी बोल रहे हैं कि सुशांत सीबीआई सुशांत मामले में आई, लेकिन सीबीआई अभी तक कुछ नहीं कर रही है। बताइए हमारे व्यूअर्स को, आप बता दीजिए सीबीआई कैसे कड़ी खोलेगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर सवाल उठाना बहुत आसान है क्योंकि सीबीआई जो है हमारी प्राइम एजेंसी है इंडिया, और सीबीआई के कुछ ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं जहां पे बहुत से सवाल उठते रहे। जिया खान का मुद्दा ले लीजिए, जिया खान के मुद्दे में सीबीआई आई, 1 महीने के अंदर उन्होंने फाइल क्लोज कर। लेकिन हम सारे ऐसे साइलेंस को बताना चाह रहे हैं कि सीबीआई ने 1 महीने के अंदर फाइल क्लोज कर दिया, यहां सुशांत का फाइल क्लोज नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, हम यहां पे सिर्फ हो हल्ला करने के लिए नहीं आए, हम बात करने आए हैं एविडेंसेस के तौर पर। सीबीआई जो है सोशल मीडिया पे हल्ला करने के लिए नहीं आएगी ना, सीबीआई जब जज के सामने खड़ी होगी उसके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। अब दूसरी बात ध्यान रखिए, पहली बात मामा जी भी सहमत होंगे इन बातों से, दूसरा बात यह है, दूसरी बात जो है ध्यान देने लायक कि सीबीआई को आपने कब दिया, सरकार ने सीबीआई को कब दिया ये काम, 60 दिनों के बाद, 60 days आफ्टर यू कॉल्ड सीबीआई। बिफोर दैट मुंबई पुलिस ऑलरेडी प्लेड विद द एविडेंसेस, एविडेंसेस वर प्लेड क्लीन, जहां पे मर्डर स्पॉट था वहां के दरवाजे आपने खोल दिए, सारे सबूत धो दिए गए। सीबीआई को 60 दिन के बाद आप बुलाए हैं, सीबीआई के लिए तो काम आसान नहीं है, है क्या आसान आप बताइए। तो एक बात यह है कि अच्छा सीबीआई पे हम सवाल उठा रहे हैं, एनसीबी यहां पे कड़ी दर कड़ी जोड़ती जा रही, भारती सिंह को पहले पकड़ा, अर्जुन रामपाल को बुलाया, अब करण जौहर को बुलाया, करण जौहर के उस वीडियो के बारे में पूछताछ की जहां पे बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस स्टोन्ड थे, ड्रग्स लेकर के हाई थे। तो कड़ी दर कड़ी जोड़ने की बात है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। सीबीआई मैं मानता हूं और सारे ऐसे सारियंस के भावना का भी मैं कदर करता हूं कि सीबीआई कुछ ज्यादा ही खामोश है, काम जो कर रही है उसमें खामोशी बहुत ज्यादा है। हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मैं नुपुर श्रीवास्तवा जी से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि बीच में आकर के एक बार पब्लिक को यह बता दें कि केस अभी ऑन है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप लोग ऐसे पेशेंस लूज ना करें। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जो कहते हैं सपोर्ट होगी एसएसआरियंस की, ये जो लड़ाई चल रही है, एक हौसला बढ़ेगा और एक उम्मीद जगेगा। मामा जी नहीं देखिए, ब्रिज जी का जो भी कहना है वो बिल्कुल सही है और उन्होंने जो भी कहा तथ्य रखा बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं, लेकिन इन जनरल जो बातें अभी चल रही है और खास करके जो समर्थक है सुशांत का जी। क्योंकि ये तो सच है कि सुशांत की हत्या हुई, इससे कोई डिनाय नहीं कर सकता, इसको मानना पड़ेगा लोगों को कि उसकी हत्या हुई है, किस परिस्थिति हुई है, ये पर्दे के पीछे का खेल लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि उसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो सरकारी तौर पे वो सामने आए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता, हर लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानता है, सोशल मीडिया पे पूरा छाया हुआ है। अब सवाल यह है कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा हो, जिसका सोच राष्ट्रवादी रहा हो, जो इस देश में भारत का नाम ऊंचा कर रहा हो, जो भारत के वर्तमान सरकार के तो नियम नियम कानून के साथ वो काम कर रहा हो, तो इन सारी चीजों को लेकर के जो वो चल रहा था, ऐसे बच्चे को हत्या हो जाती है और हत्या करने वाले कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि बॉलीवुड में राष्ट्रवाद नाम का कोई चीज हो, राष्ट्रवादी सोच उभरे और
एक गिरोह बना करके एक प्लान करके उसको खत्म कर दिया जाता है। अब सवाल है कि उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। नुकसान हम लोगों का है, नुकसान सबका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो जांच चल रही है, अभी बीरज जी ने एक चीज कहा, मैं वही बात को मैं दोहरा देता हूं कि ठीक है जांच चल रही है, इस देश के जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो जांच कर रही है, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि हम लोग भी मांग किए थे, हम लोगों ने आंदोलन किया था बिहार में, एक साथ बिहार से 250 जगह से 5 जुलाई को एक साथ हम लोग आंदोलन किए थे, एक बड़ी आंदोलन था, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था ये, और एक मुहिम पकड़ा, सारे लोगों ने, आप जैसे नौजवान, सारे लोगों ने, पत्रकारों ने, सारे लोगों ने साथ दिया। लेकिन आज सवाल ये है कि आज ये सवाल सब पूछता है कि स्टेटस क्या है उस केस का, हम जानना चाहते हैं, समर्थक जानना चाहता है कि कहां पर वो केस है, किस मुकाम पर है, क्या जांच चल रही है। अभी मालूम हुआ कि सीबीआई वापस दिल्ली आ गए, कोई कह रहा है कि कहीं है, कोई कुछ है, तो अस्पष्ट जो चीजें पता नहीं चलती है, तो लोगों के मन में एक जो भ्रम पैदा है, जो उदासीनता है, जो लोग, जो समर्थक, जो लोग दिन रात इस सुशांत के लिए लड़ा और जो लड़ रहा है, वो ये जानना चाहता है। और ये तो बात सत है कि सुशांत एक ऐसा कलाकार था, एक ऐसा युवा था जिसके पीछे सारे लोग आज भी दीवाना बन के है। एक समय जब वो जिंदा था तो दीवाना था, आज वो नहीं है तो वो दीवाना बन के लोग दुखी है, तो चाहे वो परिवार का लोग हो, चाहे वो परिवार को तो नुकसान हुआ है, आज वो पिताजी आज अकेले आज वो पटना में किस हाल में है, प्रिंस आपने तो देखा है, आप तो उनसे जी मिले हैं, तो न्याय मिलना चाहिए। और कम से कम बॉलीवुड में एक ऐसा सजा हो ऐसे लोगों को कि फिर दोबारा कोई इस तरह का घटना ना हो, यही हम लोग चाहते हैं। जी जितने भी व्यूअर्स आप अभी हमें लाइव देख रहे हैं, हमने कमेंट में लिंक को पेस्ट किया है। जो भी क्वेश्चंस है आप हमारे गेस्ट से आके पूछ सकते हैं, और यही क्रम में हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़े हैं, हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ चुकी हैं। जी इशिता देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे फेसबुक लाइव में। जी क्या क्वेश्चन है, आप मामा जी हैं और हमारे साथ ब्रिज सर हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं आप। थैंक यू सो मच प्रिंस एडिंग मी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सुशांत की मामा जी से मैं यही पहले पूछना चाहूंगी, सर आप कैसे हैं? और जी मैं सर अच्छा हूँ जी। सर थैंक यू एंड सर ये सर पूछना चाहती हूँ सर कि ये जो सीबीआई एकदम से चुप हो गया है, ठीक है, हमारे देश में जितना भी क्राइम हुआ है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है कि सभी में जिया खान का केस जो है, लास्ट था जिया खान का केस, वो भी एकदम पूरा शट हो गया है। सुशांत का केस, मतलब सुशांत सिंह राजपूत का केस जो था, वो हम लोग अगर नहीं करते, मतलब हम लोग अगर पूरा जो पब्लिक मूवमेंट नहीं चलता तो पूरा रैप अप करके रख देता मुंबई पुलिस ने, तो अगर सीबीआई भी के ऐसा करेगा तो हम लोगों का, मतलब पूरा हमारा जो मतलब जो जो जुडिशियरी सिस्टम है उसमें से पूरा भरोसा उठ जाएगा। तो नहीं सर नहीं आप बिल्कुल लोगों, हाँ बोलिए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है और यही सवाल मैंने भी पूछा है, ये सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से जो भी जांच चल रही है, तो ये समर्थक भारत का जनता ये जानना चाहता है कि आखिर ये केस का स्टेटस क्या है, अभी कहाँ पे है, कौन सी जांच चल रही है, किससे पूछताछ चल रही है। ठीक है, आप सीबीआई जब तक अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंचती है तब तक वो अपनी बातों को नहीं रखती, लेकिन कम से कम चूंकि इतना हाई प्रोफाइल ये मामला था, तो कम से कम उसका एक अपडेट तो बनता है, और ये सबके लिए है, और खास करके आप लोग जैसे जो सुशांत के लिए दिन रात, मैंने देखा है आपका, मैंने देखा है आपका पेज भी, मैंने आपका फेसबुक पे भी देखा है आप लोगों को, कि आप लोगों ने काफी मेहनत करा है और आज भी कर रहे हैं, दुखी है सारे लोग। और आज भी देखिए, मैंने कल एक पोस्ट डाला था 14 तारीख को, कम से कम हाँ उस पे, हाँ मैंने लिखा था
जो मेरी वेदना थी, जो मेरे दिल में था, मैं बराबर लिख मैं डालता हूँ। जब भी किसी तरह का छोटा मोटा जो भी आंदोलन होता है करता हूँ। और आंदोलन तो अब होता नहीं है, अब तो हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के दरबार पे जा रहे हैं, इस महादेव के मंदिर में जाते हैं, बजरंग बली के मंदिर में जाते हैं, माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के आराधना करते कि माँ आप उसे न्याय दिलवाओ, और वो हम लोग डालते हैं। तो उसी पर मैंने लिखा तो आज कम से कम 5-6 हजार लोगों ने अभी तक कमेंट्स उस पर दे दिया अपना। तो ये बड़ी बात है कि आज भी लोग सुशांत के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं वो आस लगाए बैठे हैं कि आखिर सुशांत को न्याय कब तक। आप तो सवाल ये उठ रहा है कि सुशांत को न्याय कब तक। पहले हम ये मांग करते थे कि सुशांत को न्याय दो, लेकिन अब पूछ रहा है लोग कि सुशांत को न्याय कब तक। तो ये ही चीज चल रही है, और जो सोच आपका है, जो सोच रही है, वही मैं भी सोच रहा हूँ। हमारी भारत की जांच एजेंसी बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, हम उस पर सवाल हम लोग नहीं उठाते, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उस केस का स्टेटस क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जी रमेश वही सर, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि निर्भया निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसके लिए हम लोगों ने 6 साल तक लड़ाई लड़ा और आखिरकार जो भी दोषी थे उन्हें फांसी की सजा मिला। सर सुशांत सिंह राजपूत केस में भी वही होगा, 6 साल लगे 10 साल लगे, हम लोग लड़ते रहेंगे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। इशिता जी, आपका कोई और क्वेश्चन है जो ब्रिज सर से आप पूछ सकती हैं, पूछिए। हाँ, मैं और क्या, मेरा पूरा कलकत्ता वाला एक चीज बोलना चाहते हैं। हम भी जैसे आपने बताया कि आप भी पूजा करते हैं, मेरा सारा बहुत सारा दोस्त है, मतलब SSL के मूवमेंट से ही हम लोग सब मिले हैं, और उसके लिए हम सब गए हैं पूजा देने के लिए दक्षिणेश्वर में। 15th पे हम सब पूरा कोलकाता एसिटेरियन जो था दक्षिणेश्वर में पूजा देने के लिए गए थे। उसके पहले भी हम एक बार गए थे पूजा देने के लिए सुशांत के लिए, और सुशांत को हम सारे चाहते हैं कि जितना टाइम लगे कोई हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, हम जुड़े रहेंगे और डट के खड़े, मतलब डट के आपके साथ है सर। और सर एक चीज पूछना है कि सर देखिए CBI तो मतलब ये तो पता है कि हेलो, हाँ बिल्कुल मुझे बिल्कुल, हम सुन रहे सुन हैं पा रहे आपको। हैं आपको, आप बोले। हाँ 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 CBI को तो बोलिए। पता है, मतलब जो क्राइम सीन था मुंबई में, जो क्राइम सीन था सुशांत के घर पे, वो तो कंटेमिनेटेड हो गया। मतलब अगर क्राइम सीन पे कोई भी आके क्राइम सीन अगर होता है तो वो तो पूरा एकदम क्या बोलती है, पूरा टेम्पर्ड हो गया था। मतलब जो उसका जो घर था उसको तो मतलब पूरा ब्लॉक कर देना चाहिए था, मतलब पूरा सील कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया, इसको लेकर CBI का मतलब क्या फैसला है, क्या किया है उसको, जो रंग किया है, मतलब जो घर को पेंट किया है उसको, मतलब उसको तो मतलब कुछ तो करना था ना, मतलब उसको तो इंटरोगेशन तो उसको पहले इंटरोगेशन पहले उसको करना था, क्योंकि वो तो घर को पेंट किया था, जिस पेंट कंपनी से पेंट खरीद के वो पेंट किया था, या फिर पूरा जो क्राइम सीन है जो कंटेमिनेटेड किया था, जो इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर था उसको तो पहले मतलब CBI को मतलब सॉरी इंटरोगेशन करना था, लेकिन वो क्यों नहीं किया, या फिर किया है, क्या रिपोर्ट है, क्या आप बता सकते हैं? इशिता जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है, धन्यवाद है, और मुझे गर्व महसूस होता है। गर्व इसलिए महसूस होता है कि एक ऐसे एस आर्यंस ने इतनी इन्वेस्टिगेशन अपने तरफ से की हुई है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने खुद कर ली है तो CBI क्यों नहीं ये पता कर पा रही। अब इशिता जी बता रही हैं कि देखिए क्राइम स्पॉट को खोल दिया, घर को पेंट करा दिया, और इस पर सवाल। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का काम है, और CBI आई एम श्योर इज गोना लुक इनटू इट एंड गोना आस्क दिस क्वेश्चंस व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट। कटघरे में है मुंबई पुलिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सुन करके इसलिए मुझे अच्छा लगा कि देखिए कितना क्लोजली लोग SSR को फॉलो कर रहे हैं, SSR को कितना नजदीक से लोग जानने लगे। एक एक इन्वेस्टिगेशन पे लोगों की नजर है। अगर SSR के नाम पे कोई छींकता भी है तो हर SSRians के कान खड़े हो जाते हैं। SSRians सवाल पूछते हैं, SSRians को जवाब चाहिए। CBI इतनी खामोशी से काम कर रही है, अब सवाल यही पे कि इतने भी खामोश मत हो जाओ कि आपके इन्वेस्टिगेशन पे ही सवाल उठना शुरू हो जाए, और यही हो रहा है। इशिता जी, आई एम श्योर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, हाँ उसको थोड़ा ट्रस्ट रखिए, सर, एंड दे ऑल नहीं आर सर, ट्राइंग हमारे देयर साथ बेस्ट, दे वुड
हमारे साथ हाँ जी एक और बोलिए। दर्शक जुड़ी है कोई। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे फेसबुक लाइव में। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल मैम, आ आ रही है, रही है मैम। बिल्कुल आ रही। हेलो, मैं तो एक यही पूछना चाहती हूँ, ये कब तक ये सीबीआई केस को अपडेट करेगी? नहीं तो अभी जो यूट्यूब में है, काफी कहीं तो बताते हैं सुशांत जिंदा है, कहीं ऐसे ऐसे मैसेज मतलब होते हैं जिससे कई लोग जो कभी देखते नहीं, कभी भी देखते हैं ना, तो उनको ऐसा होता है कि वास्तव में केस अपडेट हो गए। कहीं आता है कि सीबीआई ने फाइल केस कर दिया, फिर कुछ बाद में पता चलता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये मतलब मिस देखिए अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चंस है ना, वो सबके दिमाग में इतना अब मतलब बहुत हो रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि चीप पब्लिसिटी बहुत हेलो, चल रही है। चीप पब्लिसिटी बहुत ज्यादा चल रही है, खास करके जब बहुत आप ज्यादा यूट्यूब हो रहा है, बहुत उल्टा सीधा इतना मतलब। जी तो यूट्यूब के वीडियो से थोड़ा बचे। यूट्यूब में कई लोग आते हैं और कुछ भी हेडलाइंस डाल करके अपने व्यूअरशिप को बढ़ाते हैं कि सुशांत का हाँ केस यही मतलब हो ऐसे गया। लिखते हैं कि हाँ आज आज है ना अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट के आ रही है एसएसआर केस में, तो जो जितना ध्यान से इसमें लगे हुए हैं, और फिर ऐसे लगता है ना कि भाई वास्तव में कुछ हो रहा है तो श्योरली देखते हैं उसमें, लेकिन एंड में पता चलता है कुछ भी नहीं होता है, फिर बहुत है ना हताश भी हो जाते हैं इसकी वजह से कि क्या है ये, मतलब मजाक बना के रख दिया है हम अपने आपको। हौसले को, ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी जी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जी हौसला एग्जैक्टली कितना, सही कहा सर हौसला आपने। तो तो जब तक नहीं जस्टिस नहीं ये मिलेगा, ध्यान जब तक रखिए हौसला कि रहेगा ही। सॉरी, आपने जस्टिस फॉर एसएसआर लिखा है, मेरे को नाम आपका नहीं मालूम, नाम भी बता देंगी तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि हर एसएसआरियंस मुझे सविता दिल ना, से पसंद। सविता बीकानेर राजस्थान से, राजस्थान से सविता सविता जी, मैं बीकानेर आपको राजस्थान। बताऊं, सविता जी मेरी बात आप सुनिए, एक बार दिल को मजबूत कीजिए और दिल को मजबूत करके लगे रहिए। बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से जोकर्स आ तो रहे हैं, बहुत से ड्रामे हमेशा बाज आ रहे हैं, मैं बहुत से लोग यूट्यूब की व्यूवरशिप बढ़ा रहे हैं। विभोर आनंद जैसे भी लोग हैं जो कुछ सही बातें बात है, राखी सावंत की सही तरह बात करते है हैं, ना। उनसे भी बच करके चलिए। वो आते हैं, उन्हें मैं मेल राखी सावंत कहता हूँ, क्योंकि वो आते हैं बिना एविडेंस की कुछ भी बातें करते हैं। और सही बात है, ऐसे लोगों की वजह से एसएसआरियंस से भरोसा उठता जा रहा है लोगों, ये चीप जी पब्लिसिटी जो कर हाँ, रहे हैं ना, यही यही उन्हीं यही की वजह से। यही तो तो गलती हो रही है, सब मिस ऐसे अंडरस्टैंड लोगों से होके फिर बचिए ये। जी। जी सविता आप मैम, बोले, मैं आप आपको एक चीज बोले और सर, बता बोले दूं। सविता जी। मैम, हमें हताश नहीं होना है मैम, और बस कुछ दलाल है जो अपने यूट्यूब पे चला रहे हैं, अपने पब्लिसिटी अपने सब्सक्राइब्स गेन कर रहे हैं, उनसे बच के रहिए, और सुशांत के लिए जैसे आप लड़ रही हैं लड़ते रहिए मैम। जी जी सर, ब्रीज सर, हाँ मैं बोलिए तो बोलिए यही संकेत, सोचती बोलिए। हूँ, मतलब जब 14 तारीख को जो दिन है ना, मैं आज तक उस दिन को भूली नहीं हूँ, ये सोच के मतलब जैसे पब्लिक डोमेन में जैसे जैसे आया है, उस चीज को मैं उस रात को देखती हूँ, सोचती हूँ कि वास्तव में उसने क्या फील किया होगा, जो आदमी जीना चाहता था और उसको उस इस तरह से वहां, और उसी चीज को जब पहले वो जीवित है तभी उसको मिसयूज किया, अब जब है नहीं तब भी गलत जो ना मतलब उसके बारे में गलत बातें करके, या फिर जो आदमी है ही नहीं इस दुनिया में उसके बारे में मतलब अपनी जो ना YouTube में व्यूअरशिप सविता बढ़ाने जी, के लिए उल्टे सीधे सविता ब्लेम जी लगा जी लगा जी के मतलब। सविता जी, हाँ सविता जी, आपने कोहरा देखा है? कोहरा, यस कोहरा पंपकिन, आपके तरफ हो हाँ रहा है? कोहरा है ना, यस कोहरे की एक खासियत है, कोहरे की एक खासियत है कि आप कोहरे में एक लिमिटेड दूरी तक देख सकते हैं ना, बहुत ज्यादा दूरी तक आप नहीं देख सकते। सही, ज्यादा और दूर इसी खासियत को यस आपने ध्यान में रखना है कि सिर्फ उतनी ही दूर देखिए जितनी दूर आपको दिखाई दे रही है, उससे ज्यादा देखने की कोशिश मत कीजिए, दिल बैठ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हमें लड़ना है। और यकीन मानिए, जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते सही हैं ना, तो हम ऊपर तक पहुंच जाएं। कोहरे को याद रखिए, बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं यस है, ड्राइव केयरफुली, और हमें जीत हासिल होगी। और जीत की शुरुआत हो चुकी है, ये बड़े तो एकदम मगरमच्छ को इस दुनिया भगवान में बुलाया, मतलब ऐसी बात। उस विश्वास है ऊपर वाले पे, मतलब ऊपर वाले पे विश्वास है कि वो ऐसे भोलेनाथ की, आज बिल्कुल मतलब बिल्कुल, बहुत भोलेनाथ गलत की हुआ है, कृपा है बहुत गलत हुआ है उनके साथ में। हाँ जी। ईशिता जी, प्रिंस प्रिंस जी, जी बोलिए। मैं एक चीज बेनती करना चाहती हूँ कि ये जो डिफामेशन केस चल रहा है, मतलब ब्लेम गेम चल रहा है कि सुशांत ऐसा था, सुशांत ने ऐसा किया वैसा किया,
जो प्रिंस सिंह और प्रिंस प्रिंस आपको भी पता है, आप तो फैमिली के साथ आपके साथ बात भी होता है और बीच जी आपके आपको भी होता है। तो मैं सुशांत को फैमिली जो है उनसे मेरा विनती है, जो ये कर रहा है सबके लिए, तो मतलब जो हम तो देख ही पा रहे हैं कि अगर बॉलीवुड में अगर कोई सो कॉल्ड सेलिब्रिटी को कुछ भी बोल देते हैं तो उसके लिए कोर्ट चले जाते हैं। सुशांत को अगर बोल देते तो सुशांत के लिए भी, सुशांत का जो फैमिली है उनके लिए भी ये स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि सुशांत कोई ऐरा गहरा नहीं था, सुशांत स्टार था और कईयों से बहुत ही अच्छा था, मतलब एकदम यूनिक था। ठीक है, तो सुशांत अभी बोलने के लिए तो वो नहीं आ सकते ना, हम सबको पता है क्या हुआ है उसके साथ, और जो भी डिफामेशन और जो भी फेक स्टोरी, जो भी कुछ कुकिंग हो रहा है, जो भी आ रहा है मार्केट में, मेरा ये बोलना है प्लीज जो फैमिली है, मैं ये बोलना चाहूंगी अगर कोई स्टेप लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर ऐसा चलता जाएगा ना सुशांत का नाम खराब हो जाएगा। अगर हम मेरे मेरे यूट्यूब पे, मेरा कोई फेसबुक पे ऐसा लिंक आता है कि सुशांत ने वैसा किया है, जी, बोलिए 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 सॉरी, अक्षिता जी, बोलिए। सुशांत ने ऐसा किया है, सुशांत ने वैसा किया है, मैं ये नहीं मानती हूँ। इसलिए मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि मुझको लगता है कि सारे के सारे ब्लेम गेम करके सुशांत को डिफेमिंग करना चाहते हैं और सुशांत को नाम खराब करना चाहते हैं। जो फैमिली है और जो फैमिली के करीब है, सबसे मैं ये विनती करना चाहूंगी प्लीज, अगर ऐसा है कि सुशांत को जो डिफेमिंग कर रहा है, जो ब्लेम कर रहा है, उसके लिए भी एक्शन, उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए, ऐसा करना चाहिए, ताकि सुशांत के खिलाफ जो भी बोलने वाला है, जो भी उसके मतलब खिलाफ जो बैड माउंटिंग करने वाला है, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता ना, वो कुछ नहीं किया, सारा अली खान क्यों ड्रग लिया है, सबने क्यों ड्रग लिया है, पूरा बॉलीवुड सुशांत के लिए ड्रग लिया है, लेकिन कोई नहीं बोला है मैं खुद ड्रग लिए हूँ, ऐसा नहीं कोई बोला है। और भी बहुत सारा कुछ है, किस्सा है। मैं ये बोलूंगी कि सुशांत का फैमिली फैमिली वालों से, और जो आप सब टच में हैं, जो भी टच में है प्लीज, उसके खिलाफ जो भी उसके अगेंस्ट में बोले, सुशांत के खिलाफ कोई भी उल्टा सीधा चीज बोल दे इशिता प्लीज, जी उसके हिंदी खिलाफ की प्लीज कोई एक हिंदी की मतलब कहावत स्टेप है, लीजिए, दैट्स ऑल। एक हिंदी की कहावत है, एक हिंदी की कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये हमारी हिंदी की कहावत है ना? तो इसे ध्यान में रख करके आप चलिए। और सबसे बड़ी बात याद रखिए कि जब एक ऐसे 100 ऐसे सारियंस होते हैं, तो आपको 10 ऐसे सारियंस के विरोध में भी बोलने वाले लोग होते हैं। आपने ये कोशिश करनी है कि आप ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़िए, उन सबों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि यू विल ऑलवेज गेट। पीआर टीम है, ऐसे लोग हैं जो बहुत से सुन लोग नहीं हैं पा रही जो आपको हूँ गुमराह। सब, सर आप बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। कैन यू हियर मी? कैन प्रिंस, कैन यू हियर मी? आई एम ट्राइंग टू प्रिंस कैन यू हियर मी? या सविता जी कैन यू हियर मी? राइट नाउ आई कैन हियर यू, अच्छा, यू कैन हियर मी यस नाउ? सुनाई दे रहा है, या यस गो अच्छा, ऑन, तो पहले यस के, सर, अच्छा, तो मैं यही कह रहा था इशिता, कि जब ये लड़ाई को लड़ रहे हो, तो इस लड़ाई में आपके विरोध में खड़े होने वाले हजारों लोग होंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी ने आपको इस लड़ाई में जबरदस्ती तो नहीं लाया ना? लाया है क्या किसी ने? नहीं। ये कोई सुशांत का प्यार नहीं। है, ये सुशांत का व्यक्तित्व है, यह सुशांत की जादूगरी है जिसने लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ करके रखा है ना? तो जी मैं एक और, हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, ब्रिज सर, सुरजीत सिंह राठौर जी। मुंबई से जुड़ चुके हैं, जो वो फिल्म एक्टर हैं और कड़ी सेना के अध्यक्ष हैं मुंबई में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे फेसबुक लाइव में, सुरजीत सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय माता दी, थैंक यू। जय जय हो सुजीत जी। जी सुरजीत सर, सुशांत सिंह राजपूत के लिए आपने शुरुआत से बहुत आवाज उठाया सर, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सर सुशांत सिंह राजपूत, सीबीआई तो चल रही है लेकिन सर बहुत टाइम लग रहा है सर, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं सर हमारे व्यूअर्स को, जितने लोग आपको हमें लाइव अभी लाइव देख रहे हैं हमारे फेसबुक लाइव से। नहीं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सब लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है, वो जो लड़ लड़ रहे हैं, ये सबका एक कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है। सभी लोग दिल से जुड़े हुए हैं सुशांत के लिए, और
बस बात तो ये, हमेशा मैं पहले भी कहूँ आज भी कह रहा हूँ कि सुशांत राजपूत था और मैं सिर्फ राजपूतों के लिए लड़ता नहीं हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कहा कि आप राजपूतों के लिए लड़ते हो। जितने भी एक्टर इंडस्ट्री में अगर किसी भी एक्टर के साथ अगर गलत होता है तो सुरजीत राठौड़ वहाँ खड़ा होता है, और सुशांत मेरा तो भाई था, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि अगर मेरे भाई के साथ इस तरह की घटना हुई है तो मैं खड़ा तो 100% रहूंगा। और आज ही मेरी सुशांत के दोस्त गणेश से बात हुई थी, तो मेरा कुछ काम था जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं मुंबई से बाहर हूँ, और 2 दिन बाद में आने के बाद में मैं खुद सीबीआई से मिलने वाला हूँ, खुद डीआरडी ऑफिस जाऊँगा। और जो घटना उस दिन मैंने पहले भी न्यूज चैनल पे मैंने बताई और आज भी मैं बता रहा हूँ, आगे भी मैं बताते रहूंगा, सारी जो घटना थी वो मैं खुद सीबीआई को बताने वाला हूँ कि सीबीआई को मैंने लेटर दिया, कोई जवाब अभी तक नहीं मिला मुझे। महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग को मैंने लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये लोग कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए जो सेनाएं हैं यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में जो सेना है, इन सेनाओं का कहीं ना कहीं हाथ रहा है इस केस में। और ये तो पूरी दुनिया को जानती है, पूरी दुनिया को पता है कि इस केस में कौन इन्वॉल्व है। भले ही हम नाम किसी का ना ले, लेकिन हमें पता है किस को बचाने के लिए ये लोगों ने इतना बड़ा खेल खेला है। तो इसका बड़ा खुलासा होगा, हम लड़ रहे हैं, करनी सेना कभी पीछे ना हटी है ना कभी हटेगी। जी सुरजीत सिंह राठौर जी, आप जैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए शुरुआत से आवाज उठा रहे हैं सर, आपको कितनी कठिनाई हो रही है बॉलीवुड में, आपको कितनी कठिनाई हो रही है सर? देखिए सुरजीत राठौर को कठिनाई नहीं होगी क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने आने की, क्योंकि मैं एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ उन लोगों को बोलने के लिए सोचने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। कि संजीला भंसाली को चांटा मारा जयपुर के अंदर, आज तक वो चांटा की गूंज पता है इंडस्ट्री को कि वही करनी सेना है, और मैं करनी सेना का एक पदाधिकारी होने के नाते ही मैं बच के बैठा हूँ। अगर मैं करनी सेना का पदाधिकारी नहीं होता तो कहीं ना कहीं लोगों ने मेरे ऊपर हमला करवाते, कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं और कार्रवाई चल रही है। लेकिन सर मैं जैसे कि आपको सर मूवी में पहले जैसे कि आप मूवी में पहले काम करते थे सर जी, जैसे कि आप पहले मूवी में आपको काम मिलता था सर, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ सर, बॉलीवुड में आपको कितनी कठिनाई हो रही है जब से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आपने आवाज उठाया है? कठिनाई सामने कोई नहीं करेगा, बैकग्राउंड पीछे कठिनाई बहुत ज्यादा होती है, जरूरी नहीं होता कि हम किसी फिल्म में काम करें, बहुत सारी कठिनाइयां होती है, रिलीजिंग पे हो जाएगी कहीं पे, लोकेशन वगैरह बहुत सारी कठिनाई तो है, वो तो होने वाली है, क्योंकि सुरजीत राठौर सुशांत के समर्थन में पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, बॉलीवुड के खिलाफ है वो, तो कठिनाई तो कहीं ना कहीं होगी, ये तो हमें पता है। लेकिन जब मेरे साथ करोड़ों देशवासी, मेरे युवा साथी मेरे साथ हैं, तो मुझे उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। इंडस्ट्री वाली फिल्म देखने नहीं जाएंगे, सुशांत के दोस्त सुशांत के फैंस मेरी फिल्म देखेंगे, बस वही मेरे लिए काफी है। मेरी करनी सेना फिल्म देख ले, वही मेरे लिए काफी है। मैं नहीं चाहता कि इंडस्ट्री के लोग मेरी फिल्म देखे, देखे ना भले ही मैं देखे, मुझे जरूरत ही नहीं है लोगों की। जी ब्रिज सर मैं आपके तरफ जाना चाहूंगा। जी ब्रिज सर, जैसे कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं, अर्णब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए शुरुआती दौर में बहुत आवाज उठाया और बहुत टीआरपी उन्होंने कमाया सुशांत के नाम से, लेकिन अब अर्णब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्यों कुछ नहीं बोल रहे, जरा आप हमारे एसएसआरएम्स को बताइए। अच्छा एक ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा दुखद है कि जब से अर्णब गोस्वामी बेचारे जेल में उनको डाल दिया गया, और आपको पता है कि जेल में कितने गंदे तरीके से डाला गया, करवा चौथ का दिन था, सुबह सुबह वाइफ करवा चौथ का व्रत रखती, घर पे आई पुलिस, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेजती है और उनको घर से घसीटते हुए ले जाती है जैसे कि कोई आतंकवादी। पूरे वर्ल्ड ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि लोकतंत्र की हत्या कैसे कर दी गई, इसे लोकतंत्र की हत्या है। अब सवाल उठता है आपका प्रिंस जी, आपने सवाल पूछा, और सबसे पहली बात तो सुरजीत भाई का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर मुझे अपनी फिल्में चलानी है तो मुझे नॉन एसेसारियंस चाहिए, एसेसारियंस काफी हैं मेरी फिल्म को चलाने के लिए और करनी सेना के लोग काफी हैं मेरी फिल्म को चलाने के लिए, और यही जज्बा यही हौसला जो है एसेसारियंस को जिंदा रखेंगे, एसएसआर को जिंदा रखेंगे। जी आज 6 महीने से ऊपर लड़ाई होने जा रही है, आज तक इतिहास में कोई भी इतनी लंबी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के लिए लड़ी गई है नहीं,
अब मैं वापस आपके सवाल पे आता हूँ, क्योंकि मैं सुरजीत भाई के उस बात पे बात करना चाहता हूँ। अब आपका सवाल आता है अर्णब गोस्वामी जी। अब एक बात बताइए, एक बेचारा पत्रकार, अच्छा जो पूछ रहे हैं ना कि अर्णब गोस्वामी कुछ नहीं बोल रहा, ये वही लोग हैं जो एसएसआर के विरोध में थे, याद रखिए, ये वही लोग हैं। जब एसएसआर के सपोर्ट में अर्णब गोस्वामी बोल रहे थे, तब इन्होंने ड्रग्स दो का कार्टून बनाया, कपिल शर्मा ने अपने स्टेज में मिमिक्री करवाई अर्णब गोस्वामी। अब वही जो एंटी एसएसआर लोग जब कहते हैं, देखो अर्णब चुप हो गया, अरे गधों, उन चैनलों से क्यों नहीं पूछते तुम, जिसने कभी एसएसआर का मुद्दा उठाया ही नहीं, उनसे क्यों नहीं पूछते, उन्होंने तो कभी उठाया ही नहीं। इस बेचारे ने अपने जान को रिस्क में डाला, अपने चैनल को, अपने धंधे को रिस्क में डाला, मुंबई में उस सरकार के नीचे बैठ करके उसके खिलाफ आवाज उठाया, ये कोई शेर ही कर सकता। और उस शेर की दहाड़ को दबाने की जो कोशिश सरकार ने जितने घिनौने तरीके से की है, उसको हम सब ने देखा है। अभी अगर अर्णब गोस्वामी आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ लीगल प्रक्रियाएं होती है, वो आपको और हमको समझने की जरूरत है। उनको बेल जो मिला है वो किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया गया, उन्हें बोला गया होगा, जैसा मेरा अनुमान है, कानूनी तौर पे अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो। अभी फिलहाल वो खामोश रहेंगे, लेकिन उनका चैनल याद रखिए, कल भी रिपब्लिक टीवी इकलौती चैनल थी जिसने ब्रेकिंग न्यूज करके दिखाया कि करण जौहर को समन भेजा गया है। ओनली रिपब्लिक टीवी वॉज द चैनल हु डिड सो, द रेस्ट ऑफ द चैनल्स उन्होंने बॉर्डर भी नहीं किया। जैसे आपके नीचे सब टाइटल आ रहे हैं ना, ये छोटा सा लिख करके आपके नीचे आ रहा है, वैसे ही आज तक ने लिखा समन्स हैज बीन सेंट टू करण जौहर। लेकिन रिपब्लिक टीवी ने धमाकेदार एंट्री के साथ बताया कि देखो बड़ी मगरमच्छ पकड़ में आ रही है। रिपब्लिक टीवी काम कर रही है। हाँ, अर्णब गोस्वामी के साथ थोड़ी भी मुश्किलें हैं, उन्हें भी परिवार देखना है, उन्हें भी चीजें देखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस मुद्दे से हट गए। अर्णब गोस्वामी नहीं बोल रहा है तो उन्होंने अपने मित्र को बोला हुआ है कि इस मुद्दे को उठाओ। चैनल तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे अर्णब का साथ है और अर्णब इस मुद्दे पे सारे ऐसे सारे उसके साथ जुड़े हुए। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि अर्णब कुछ नहीं कर रहा, उनको सबसे पहले पकड़ के आपको चुप कराइए। मैंने भी ये सवाल उठाया प्रिंस भाई, मैं आपको ये झूठ नहीं बोलूंगा, ये सवाल मैंने भी उठाया कि अर्णब भाई खामोश हो गए, लेकिन वो एक ऐसे सारियंस की प्रतिक्रिया होती है। कई बार गुस्से में लोग होते हैं, भाई इससे उम्मीदें थी, ये चुप हो गए। फिर कई बार जब गुस्सा है तो आप चीजों को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, समझने की कोशिश। फिर समझ में आया, मैंने और रिसर्च किया, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला अच्छा बेल के टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसे थे, ये अभी नहीं बोल सकते, इन्हें कुछ दिया गया है टाइम लिमिट। तो यही मैं इस माध्यम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा, जितने भी एसएसआरियन है थोड़ा हिम्मत बनाए रखें, और अब एक एक एसएसआरियन अर्णब गोस्वामी बने, एक एक एसएसआरियन आवाज उठाए, किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। और एक बार बताऊंगा, ये जो बड़े बड़े ऐसे सारियंस थे जो YouTube चैनल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग जो अब एक दूसरे को ही दोषी ठहरा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हम लोग सब देख रहे हैं क्या हो रहा है ना जी। ये ऐसे सारियंस आपस में लड़ रहे हैं, इन लोगों से भी बचे, इनकी पॉलिटिक्स से बचे, और एकजुट होकर के अपनी लड़ाई लड़े। ब्रिज सर, मैं आपको बता दूं, सुरजीत सिंह राठौर सर ही थे जिन्होंने बताया था, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी पे हाथ रख के सॉरी बाबू का कसम, सॉरी बाबू बोला था। लेकिन बहुत लोग सुरजीत भाई, सिंह भाई, बहुत लोग सुरजीत भाई, बहुत तो बहुत सुरजीत भाई पूरे न्यूज पे हर जगह थे, और इनकी इस बात को कौन नहीं जानता कि यही वो दलेर बंदा है जिसने आगे आकर के इस बात को खुलेआम मुंबई में रह के इस बात को पूरी पब्लिक को बताया था, कौन नहीं जानता। बहुत लोगों ने ये भी आवाज उठाया कि सुरजीत सिंह राठौर बस अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, लेकिन वो लोग को मालूम नहीं सुरजीत राठौर के ये बयान पे ही एनसीबी और सीबीआई हरकत में आई और रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया गया सर, वहीं से कड़ी खुलना स्टार्ट हो गया। जी 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 सुरजीत सर, तो वही तो बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो लोग कहेंगे कि सुरजीत राठौर को टीआरपी चाहिए, सुरजीत राठौर को फेम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए भी तो मेरे भाई को न्याय मिलेगा, सुशांत को इंसाफ मिलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो इंस्टाग्राम थे, ट्विटर थे, लोगों ने उड़ा दिए, मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता। जब तक सुरजीत राठौर जिंदा है तब तक सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, आगे भी लड़ेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम तो लड़ते रहेंगे।
हम एक राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, हमारे कर्तव्य बनता है अगर हमारे देश के अंदर किसी भी किसी अत्याचार होता है, गलत होता है, वहां हम खड़े होते हैं। जी सुरजीत साहब, लास्ट टाइम आप पटना गए थे और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से आप पटना गए थे मिलने के लिए, क्या जी बातचीत हुई थी बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी बिल्कुल, से? मैं मिला सुशांत के पिता से, मैं मिला उनसे, बात हुई। भावुक इंसान थे जिन्होंने अपने एक बेटा को खोया है, नौजवान एक जो एक सारा होता है उस बेटे को खो दिया उन्होंने। कि तो अब मैं क्या बोलूं कि वो खुद इतने इमोशनल थे। बस थोड़ी बहुत बातचीत हुई, मैंने उनको आश्वासन दिया, मैंने कहा तुम्हारे एक सुशांत नहीं गए, लाखों करोड़ों सुशांत जिंदा है अभी। आपके बेटा एक सुशांत गया है लेकिन लाखों करोड़ों सुशांत अभी जिंदा है, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आपके बेटे जैसे हैं, आप हमें आशीर्वाद दो, हम लड़ेंगे और उन कातिलों को जरूर हम जेल में डलवाएंगे। जी सुरजीत सिंह राठौर साहब, हमारे साथ जी ब्रिज सर। जी, सॉरी, नहीं सुरजीत भाई ने तो शायद आई मिस समथिंग, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर हो गया था। कैन यू रिपीट जी इट प्लीज? जी सुरजीत साहब, जी, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, मुंबई से बाहर हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है। ब्रिज सर मेरा क्वेश्चन यही था सुरजीत सिंह राठौर साहब से। सुरजीत सिंह राठौर साहब ने सुशांत सिंह राजपूत, जो भी रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया था, वो बयान को इन्होंने पब्लिक के सामने लाया, लेकिन बहुत लोग ये भी बोले सुरजीत सिंह राठौर के बारे में कि सुरजीत सिंह राठौर अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, टीआरपी कमा रहा है, फेमस होने के लिए कर रहा है, इसी का जवाब दे रहे थे सुरजीत सिंह राठौर जी। आपका क्या कहना है ब्रिज सर इस पर? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये जितने लोग कह रहे हैं कि नाम कमाने के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, चलो एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं कि जी हमारे जैसे लोग, हमें भी कितने लोगों ने बोला कि ब्रिज तो वीडियो इसलिए बना रहा है, बहती गंगा में हाथ धो रहा है। कई जी लोगों ने, और यो कईयों के बारे में बोला, बड़े बड़े जो हैं यूट्यूबर्स उनके बारे में। एक बात आप क्यों भूल जाते हो कि ये 6 महीने तक जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि लाखों करोड़ों वीडियो शेयर हो रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग जन जन की आवाज बन करके उभर रहे हैं। जी तुम्हें अगर ये लगता है कि हम फायदे की बात कर रहे हैं, हम फायदा उठा रहे हैं, हाँ मुझे कोई गुरेज नहीं है, तुम ऐसा बोल लो, लेकिन अगर मुद्दे की लड़ाई लड़नी है तो हम लड़ेंगे। ये होता है ना, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो बॉलर क्या करता है, बैट्समैन को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, और बैट्समैन को गुस्सा दिलाने की कोशिश वो अपनी हरकतों से करता है। कभी बॉल लेके आपको मारने की कोशिश करेगा, कभी कुछ से कुछ हरकतें करेगा कि बैट्समैन गुस्से में आके फोकस लूज कर दे और उसे विकेट मिल जाए। आप समझने की जी कोशिश कीजिए, ये जितने लोग आपको कहते हैं ना कि ये तो नाम के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, ये वही बॉलर है और आप बैट्समैन है। उन बॉलरों के एक्शन को भूल करके अपने फोकस पे रहिए, बाउंड्री के बाहर बॉल को मारोगे, मैं आपको शर्तिया बोलता हूं। ये फोकस की जरूरत है, ये फोकस तोड़ने की कोशिश है। सुरजीत सिंह ने एक बहुत बड़ी हिम्मत की काम की कि उन्होंने आवाज उठाई, उस आवाज को लोग कई नाम दे सकते हैं। अर्णब गोस्वामी ने बहुत बड़ा काम किया कि मुंबई में रह करके मुंबई के सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, एक बहुत बड़ी बात। उस पूरे गैंग्स के खिलाफ कंगना रानावत आवाज उठा रही है, बड़ी बात नहीं है। तो घर में बैठ जी करके भाषण देना बहुत आसान है, लोग जो आप पे उंगलियां उठाते हैं, कल को प्रिंस को कोई बोल दे कि प्रिंस तो फालतू के काम में लगा हुआ है, प्रिंस तो ये क्या कहते हैं अपनी जो है न्यूज चैनल को बढ़ा रहा है, तो लोगों का, किशोर कुमार की 2 लाइनें हैं, जी जी कुछ जरूर जरूर सर, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो इन लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो मेरे भाई, अपनी फोकस पे रखो, अपने ध्यान को दो और आगे बढ़ते हो, बस यही मेरा जी कहना। ब्रिज सर, जैसे कि रिपब्लिक भारत पे शुरुआत में हमने देखा बहुत बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए, जस्टिस फॉर सुशांत का नारा लगाया, लेकिन सर अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गुम हो गए हैं,
जैसे कि हमारे स्वामी जी आए थे, उन्होंने टिकटॉक को अपना जो भी उनका ट्विटर फॉलोअर्स था उन्होंने गेन किया, अब अचानक वो साइलेंट हो गए, कहाँ चले गए, गुम हो गए हैं। क्या बोलना चाहते हैं ब्रिज सर इस पे आप? एक बात तो है प्रिंस साहब कि आपके क्वेश्चंस बड़े तीखे हैं, क्वेश्चंस बड़े धमाकेदार लाए हैं, और ये सवाल जो आप पूछ रहे हो, ये मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऑफ द एसएसआरियंस दे वांट टू नो। आपने एक बड़े समूह की भीड़ में से ये क्वेश्चन उठाया है, मैंने भी ये सवाल पूछा था। लेकिन जहां तक आप जानते हैं स्वामी जी को, सबसे पहले तो उनकी मैं तारीफ करूंगा। देखो, मैं सिर्फ जी बेईमानी वाली बात नहीं करूंगा, तारीफ इसलिए करूंगा कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस ने इस बात पे साथ दिया। शुरू में वो बड़े ईमानदारी से जुड़े और बहुत अच्छा उन्होंने दिया, एक मूवमेंट को, प्रवाह जो कहते हैं, वो उन्होंने दिया। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग होते हैं, उनका भरोसा नहीं किया जा सकता, वो लोटे की तरह, समझ रहे हैं, लोटे को आप स्थिर नहीं रख सकते, लोटा कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, लोटा लुढ़कता है। स्वामी जी अगर सुन रहे हैं और या फिर उनके प्रशंसक सुन रहे हैं, बुरा मत मानना, स्वामी जी थोड़े से इधर से उधर डोलते रहे, उनकी बातों पे थोड़ा सा मेरे को विश्वास कम रह गया। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ऐसी बात कही जिससे कि सारे ऐसे सारे दुखी हो गए, और दुखी ही नहीं हुए, कईयों ने तो उन्हें अनफॉलो करना शुरू कर दिया। स्वामी जी खामोश हो गए, बिल्कुल ही अब नहीं दिखते। शेखर सुमन बीच बीच में बोलते हैं, वो बेचारे अब भी जुड़े हुए हैं। शेखर सुमन एक सेलिब्रिटी के तौर पे वो हमेशा अपनी बात रखते हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि जो मुकेश जी थे, जी मुकेश खन्ना शक्तिमान साहब, मुकेश खन्ना साहब, उन्होंने भी बहुत तगड़े रूप से साथ दिया है और अब भी यदा कदा आते रहते हैं, अपनी बात रखते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके सब खामोश हो गए हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा प्रिंस साहब, कि ये लड़ाई आपने खुद लड़नी है। आप ये सोचना छोड़ दो कि अरे वो तो गद्दार हो गया, ये तो निकल गया। अब अपने आप में इस बात को मिला करके चलिए कि एक एक एस आर्यन, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमने एक साथ काम करना है। अब एक बात आप सोचिए प्रिंस साहब, अब ट्विटर पे जी ही ये मेरे कई बार ये खिलवाड़ दिखता है कि एक बड़ा एसएसआरएन जो लीड कर रहा है पूरी लड़ाई को, फ्रंट वो कोई लाइनर्स और हैशटैग लाता है, वो कोई और सर, हैशटैग बीच लाता है। जी बीच में फ्रंट हमने सुना था फ्रंट लाइनर्स। जी बोलिए सर। फ्रंट लाइनर्स, ओके दैट्स द वर्ड, ओके। सो फ्रंट या लाइनर्स जो, उन्हीं फ्रंट लाइनर्स में से एक कहता है कि आज का हैशटैग फलाना होगा, दूसरा कहता है आज का हैशटैग ढिमका होगा। अब मतलब हैशटैग का कंपटीशन हो गया कि तुम हमारा हैशटैग चलाओ, तुम उनका हैशटैग चलाओ। और ट्विटर का एक अपना सिस्टम होता है कि आपने क्या करना है। तो ये जो है, ये ईगो वाली लड़ाई जो है, ये खतरनाक है और इससे हमें बचना पड़ेगा। और मैं सारे एसएसआरएन से फिर से एक बार यही कहूंगा कि तुम ही हौसला हो, तुम ही बुलंदी हो, एक दूसरे से साथ बना के रखो और इस लड़ाई को जिंदा रखो। जी जी सर, बहुत लोग का ये भी सवाल है, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फॉरवर्ड क्यों नहीं आ रहे, आगे क्यों नहीं आ रहे सुशांत मामले में? फैमिली क्या करेगी यार, कितना करेगी, एक बात बताओ यार प्रिंस साहब, फैमिली कितना करेगी? आप सर देख रहे मेरी हो जितना बात हुई थी फैमिली से, सर फैमिली जी, वाले ने ये बोला सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके अपना रिजल्ट पुट अप ना कर दे हम लोग फ्रंट में ना आएंगे, क्योंकि उन्हें सीबीआई पे भरोसा है सर। जी भरोसा भरोसा है। नहीं, ये सही बात भी है। और दूसरी बात ये है कि आप देख ही रहे हैं कि फैमिली को तो ब्लेम करना गलत है। एक 75 जी इयर्स ओल्ड फादर से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो ट्विटर पे आके हैशटैग खेले? जिसका अपना बेटा खो गया है वो आपके साथ हैशटैग हैशटैग खेलेंगे? नहीं ना, नहीं ना। उनकी बहन जी है श्वेता सिंह कीर्ति जी, आप देख रहे हैं वो कितनी एक्टिव है, कितनी एक्टिव है, कितने मन से तन से लगी हुई है इस लड़ाई। परिवार का मतलब ये तो नहीं होता ना कि परिवार का हर सदस्य इसमें कूद जाए, सबके डिपार्टमेंट है, सबको सब कुछ देखना होता है। श्वेता सिंह कीर्ति जी पहले दिन से लगी हुई है और लगी हुई लगी पड़ी। और फिर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की भी बात होती है कि कौन कितना उस चीज में पारंगत है। ट्विटर सबकी चीज तो है नहीं, सोशल मीडिया सबकी चीज नहीं है। तो यदा कदा आप देखिए, अभी मामा जी जुड़े, मामा जी ने अपनी बात रखी, मामा जी ने क्या कहा कि एज अ फैमिली मेंबर अब हम लड़ते नहीं, अब भगवान के शरण में जा चुके, क्योंकि अब अंतिम उपाय जो है भगवान भोले हैं,
और वही भगवान ही हमारा पार लगाएंगे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरा। तो यही कहानी है कि राम जी अब करेंगे बेड़ा पार। अब जो है वक्त ऐसा लगता है कई बार कि हिम्मत हम हार जाते हैं, तो फैमिली लड़ रही है अपने तरीके से लड़ रही है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी फैमिली की सोशल मीडिया पे दिखे। अब वो मंदिर जा रहे हैं, हर रोज फोटो थोड़े खींच के डालेंगे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, ये तो आप उम्मीद नहीं जी करेंगे ना कि परिवार के मेंबर से देखो आज मैं बाबा भोले के यहाँ नहीं है। हर कोई नहीं करता, अपने अपने तरीके से सपोर्ट करते हैं। परिवार के सदस्य दुखी हैं, उन्होंने बेटा खोया है, बहनों ने भाई खोया है, उसको आपको इज्जत देनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। जी परिवार से सवाल मत पूछिए, सवाल आपको पूछना है तो सीबीआई से पूछिए, सरकार से पूछिए, पुलिस से पूछिए। ये गलत लोग हैं जो परिवार से सवाल पूछते हैं, दैट इज रॉन्ग। सर, कुछ जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स हैं कुछ फेसबुक पेज से रोज सुशांत के लिए लाइव करते, लेकिन सर कुछ गलत अफवाह बताते हैं अपना पब्लिसिटी के लिए, अपना व्यू कमाने के लिए, अपना सब्सक्राइब गेन करने के लिए। सर उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं सर हमारे फेसबुक लाइव के जरिए? उन लोगों को अब क्या कह सकते हैं, जी क्योंकि जैसे कि विभोर आनंद जी रोज आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, बस बकवास करके जाते हैं, उससे सर एसएसआरियंस का भरोसा टूटता है। ये एसएसआरियंस को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग जिस तरीके से काम करते हैं ना, उससे एसएसआरियंस पे भरोसा कम होता जाता है। आपने एक नाम लिया विभोर आनंद। विभोर आनंद कहते हैं कि मैं फला का नाम डिस्क्लोज करूंगा, वो कितने पैसे लेता है किसी का नाम लाने के लिए, कितने पैसे लेता है कुछ करने के लिए। विभोर आनंद, कैन यू आंसर हाउ मच मनी यू टेक यस किसी और के शो में जाने के लिए? जब तुम सवाल पूछते हो, एक उंगली दूसरे की तरफ कर रहे हो, तो तीन उंगलियां तुम्हारी तरफ है ना, यू हैव टू आंसर एज वेल। तो जो तुम सवाल पूछ रहे हो, चोर को ही पता होता है चोरी का तरीका। तुम जरूर ऐसा कांड करते हो, तभी तो तुम बता रहे हो ना कि फला जो है एक्स जो है इतना रुपये ले रहा है, फला कपूर इतने रुपये ले रहा है, फला त्रिवेदी इतने रुपये ले रहा है। अरे रुपये ले रहा है क्या ले रहा है, तुम मुद्दे की बात करो ना। मुद्दे की बात तुम हमेशा कहते हो, आज मैं एविडेंसेस ला रहा हूं, आज बहुत बड़ा खुलासा होगा, तुमने फॉलोअर ट्विटर पे बढ़ाने का ये नया धंधा खोल दिया, यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का ये नया धंधा खोल दिया। और सिर्फ विभोर आनंद ने नहीं, ऐसे कई और लोगों ने ये धंधा खोला जो जी आते हैं यूट्यूब पे, आपको लिंक ऐसा डाल देंगे और जब आप सुनेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें। जी 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 आज एग्जैक्टली मैं YouTube पे गया, मैं सुनना चाहता था कि क्या अपडेट है। YouTube में मैंने सर्च मारा करण जौहर, सबसे टॉप पे था करण जौहर इज बीइंग जेल्ड, मतलब करण जौहर को जेल हो गया। अब देखिए ये छापने वाले ने लिख दिया। अब मैंने बोला कि ये तो बड़ा, मतलब हमें तो इतना पता है कि भैया करण जौहर वहां गया ही नहीं एनसीबी, तो जेल कहां से होगा। फिर भी मैंने खोला, मैं सुनना चाहता था कि आखिरकार क्या बकवास है। खोला तो बंदे ने पूरी कहानी सुनाई, ऐसे वैसे वैसे, तो उम्मीद है अब करण जौहर जेल जाएंगे। मतलब मजाक में बना रखा है तुमने, मतलब एसएसआरियंस का भरोसा। अभी देखिए आप, एक एसएसआरियंस जुड़ी, वो बेचारी कितनी दुखी थी कि क्या मजाक बना जी रखा है, जी इमोशंस का खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ। तो ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना जरूरी है। मैं सारे एसएसआरियंस से कहता हूं, जो भी इस तरह की गलत बातें करते हैं उनको अनसब्सक्राइब कीजिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, झूठ और अफवाह उड़ाने वाले लोगों का साथ मत दीजिए, क्योंकि ये एसएसआरियंस के नाम पे धब्बा है। कल को ऐसे ही वीडियो देख करके ब्रिज कुमार पे भी सवाल उठाए जाएंगे, प्रिंस पे भी सवाल उठाया जाएगा, आप पे सवाल उठाया जाएगा कि तुम लोग साले अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह का धंधा कर रहे। तो गलत का साथ न दे, सच का साथ दें, ये सच की लड़ाई, सत्य जी में हो जाए। सर, लास्ट में जितने भी ऐसे साइलेंस आपको लाइव देख रहे हैं सर, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ऐसे सारियंस के लिए मैं यही कहूंगा, जितने भी ऐसे सारियंस हैं, चार लाइनों में मैं पहले तो ऐसे सारियंस की तारीफ करना चाहूंगा जी कि तुम्हारे ना होने का गम, तुम्हारे ना होने का गम किस तरह से है, इन आंखों में नम किस तरह से है, 60 दिनों से लड़ रहे हैं ये लड़ाई, ध्यान से सुनिएगा, 60 दिनों से लड़ रहे हैं ये लड़ाई, ऐसे सारियंस तुम में ये दम किस तरह से है, किस तरह से है। तो ऐसे सारियंस, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा
अफवाहों में न बहें, एक दूसरे का साथ देते रहें, और जब हम एसएसआरियन एक दूसरे से एसएसआर की बातें करते हैं तो ऐसा महसूस होता है, अच्छा ये एसएसआर ही है जिन्होंने हम लोगों को जोड़ा है। आज प्रिंस अगर मुझसे जुड़ रहे हैं तो वो एसएसआर की वजह से जुड़ रहे हैं, मैं अगर आज जी सर, प्रिंस को जानता हूं तो एसएसआर की वजह से जान। ऐसे हजारों एसएसआरियंस हैं जो आज मेरे काफी घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं, तो मैं एसएसआर का धन्यवाद देता हूं। और वो मित्र इसीलिए बने हैं क्योंकि कई बार मैं एसएसआर की कुछ बातें करता हूं, मेरे परिवार के मेंबर भी नहीं समझेंगे उस बात को जो एक एसएसआरियन समझेगा। तो यहाँ पे जी सर, एसएसआरियंस होना और एक दूसरे के साथ चलना बहुत जरूरी है। एक दूसरे पे कभी अगर आपको लगे कि किसी ने कुछ कह दिया है और कुछ गलत लगा है तो आप उसको तुरंत रिप्लाई ना करें, 5 से 10 सेकंड का टाइम लें, थोड़ा सोचे, थोड़ा समझें, हो सकता है उसने गलती में कुछ कह दिया हो, थोड़ी बात करें, थोड़ी बातचीत करें, थोड़ा समझें कि आखिरकार उसने कुछ अगर बात कही है तो किस लिए कही, ना कि उसे आप वहीं पे सोशल मीडिया पे गाली गलौज शुरू कर दें, उसे ब्लॉक कर दें। नहीं, ऐसे ब्लॉक कर देने से तो फिर आपकी यूनिटी खत्म होती जा रही है ना। जब आप कम्युनिकेशन बंद कर देंगे, जब बातचीत का रास्ता बंद कर देंगे तो मुश्किलें आसान नहीं होती, और भी मुश्किल हो जाती है। जब आपकी किसी से भी लड़ाई हो तो एक बार बात करने की कोशिश जरूर करना, न कि ब्लॉक करके उस मामले को और भी कॉम्प्लेक्स कर देना। नहीं, बात जरूर करना। एसएसआरियंस आप साथ बनाए रखें, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आप लोगों की वजह से ही आज ये प्रिंस और ब्रिज ने सोचा कि आप लोगों से जुड़े और आप लोगों से दिल की बात करें। जी जी प्रिंस, ब्रिज क्या सर, जितने भी ऐसे सारियंस अभी आपको लाइव दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सारियंस ने हमें मैसेज किया ब्रिज सर से कैसे जुड़ सकते हैं सर, तो ये जितने भी ऐसे सारियंस अभी आपको लाइव देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं सर, जरा आप बताइए हमारे फेसबुक लाइव में। देखिए प्रिंस भाई, अब जुड़ने की बात तो यही है कि आप ब्रिज कुमार फेसबुक प्रोफाइल में डालें तो ब्रिज कुमार आपको दिख जाएगा। बाकी मेरी शक्ल याद रखना, मैंने इसी शक्ल की फोटो भी डाली हुई है, नहीं तो हो सकता है जी ब्रिज कुमार कहीं और ब्रिज कुमार निकल आए। ब्रिजवानी भी आप डाल सकते हैं, एक छोटा मोटा चैनल है गरीब आदमी का, मैं चलाता हूँ, जहां पे मैं एसएसआर के मुद्दे उठाता रहता हूँ। और बाकी जो है प्रिंस भाई, अगर चाहें तो मेरा लिंक शेयर कर सकते हैं, तो वहां जी भी मैं ब्रिज सर वहां का प्लेटफॉर्म, जो भी ब्रिज सर का सोशल जी मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं अपने कमेंट में इसको शेयर कर दूंगा, आप आराम से वहां से जुड़ सकते हैं ब्रिज सर से। ब्रिज सर, जी जाते प्रिंस जाते सर सर 4 लाइन सर हमारे ऐसे सारियंस के लिए गुनगुना दीजिए सर। 4 लाइनें एसएसआरियंस के लिए गुनगुना दूं, ठीक है? और बस 4 लाइनें तो मुझे याद भी नहीं, मेरी लिरिक्स बहुत, मेरे को गाने याद नहीं रहते, फिर भी चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते यूं ही तुम तो गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और एक लाइन जो है, मैं इसी गाने का बीच से है, वो मैं कोशिश करता हूँ याद करने की क्योंकि मेरे को गाने याद नहीं रहते। तो ये बीच राह में हम सफर बिछड़ गए कहीं हम मगर, ला 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 ला, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस ऐसे सारे, कभी एक दूसरे को अलविदा मत कहना, एक दूसरे से जुड़े रहना और अपना प्यार देते रहना, बस मैं यही चाहता हूँ। जुड़े रहिए, मेरी गले की भी बैंड बज गई है, मैं कभी आपको अपनी अच्छी आवाज में पूरे के पूरे गाने सुनाऊं। धन्यवाद, धन्यवाद ब्रिज प्रिंस सर, जाते जाते सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जी। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत का नारा 3 बार हमारे प्लेटफॉर्म से आप लगा दीजिए सर। देखिए जस्टिस फॉर सुशांत का नारा तो हर रोज लगता रहता है, हर रोज हम लगाते हैं ट्विटर पे भी, हर तरफ, लेकिन चलिए 3 बार
जैसे हम हिप्पे हुर्रे कहते हैं वैसे जस्टिस फॉर सुशांत और हर हर महादेव के नारे के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। मेरे साथ साथ आप जहां से भी जुड़ रहे हैं, जहां से भी आप लोग हैं, या तो टाइप करके जस्टिस फॉर सुशांत आप लिख करके भेजें, टाइप करके भेजें, या फिर वहीं से आप आवाज लगाएं, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आशा करते हैं सर जब भी हम आपको न्योता देंगे सुशांत सिंह राजपूत के प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे सारियंस से जुड़ने का, आप जरूर आएंगे सर। जरूर सर, हम ऐसे सारियंस से जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, ये लड़ाई उनके बिना पॉसिबल नहीं है, हमारे बिना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों को मिलकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल जी, नमस्कार, जस्टिस फॉर सुशांत, नमस्कार, नमस्कार प्रिंस भाई, थैंक यू, बाय बाय ऐसे सारियंस, लुक आफ्टर योर सेल्फ, जी जी धन्यवाद सर। आप अभी ब्रिज सर को सुन रहे थे, आज हमारे पैनल में रमेश चंद्र सिंह सर पटना से, सुशांत सिंह राजपूत के मामा जी, वैसे ही इशिता देव जी कोलकाता से, और यूके से ब्रिज सर जुड़े थे, और बहुत सारे ऐसे सारियंस अभी आप हमें देख के सपोर्ट किए हैं, ऐसे ही करते रहिए, और सुशांत सिंह राजपूत को जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता हम लोग लड़ते रहेंगे, और जैसे आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, जस्टिस सुशांत।